सो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, 16 वीडियोज में अपलोड कर चुका हूँ अभी तक। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक करके बुक मार्क कर लें, डन पे क्लिक करके सेव कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें, हमने लास्ट वीडियो के अंदर, कल की वीडियो में, ट्यूटोरियल 16 के अंदर रिएक्ट जेएस को अपनी नोट जेएस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया था। यानी हम यहाँ से डेटा को फिल कर रहे थे और हमारा डेटा जो है वो डीबी में स्टोर भी हो रहा था। बट आज की वीडियो में हमें क्या करना है, इमेज को अपलोड करना है और उसको बेस 64 में कन्वर्ट करके इमेज को डीबी में स्टोर करना है। तो वो सब कुछ कैसे होगा मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी टाइटल डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैकबुक प्रो और लेटेस्ट मैकबुक, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जस्ट दिखाना चाहता हूं आपको। और यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल 4 लाख, ठीक है, तो रैंडम मैंने डाल दिया कुछ भी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये आई थिंक 50 पूरे, ओके। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज पर क्लिक करता हूँ, मैं कुछ भी यहाँ से उठा लेता हूँ। और जैसे ही मैं ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखो डेटा सक्सेसफुली एडिट। और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर मैं आता हूँ और जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक बार नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देन मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मैकबुक प्रो लेटेस्ट मैकबुक प्राइस 4 लाख और सेलेक्टेड इमेज के अंदर हमारा बेस 64 का यूआरएल आ गया। यानी जो भी मैंने इमेज अपलोड की उसका इसने बेस 64 में कन्वर्ट करके एक यूआरएल जनरेट कर दिया। तो ये सब कुछ कैसे होगा आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीएस कोड में और देखते हैं इन सब चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं। तो जितना हमने कल की वीडियो में देखा था मैंने उसको ओपन कर लिया। हम लोग कल क्या कर रहे थे, इन 3 फील्ड्स को जो है वो फिल कर रहे थे और ऐड प्रोडक्ट के क्लिक के ऊपर हम डेटा को डीबी में स्टोर कर रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल, यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइस और ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो डेटा सक्सेसफुली एडिड। और यहाँ पर मैं डीबी में आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये बेसिकली मैं उसी के अंदर मैंने ऐड किया हुआ था। मैंने अभी रिमूव कर दिया आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल जो है वो स्टार्ट से आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखना, ये देखो अभी जो मैंने ऐड किया वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। बट मुझे क्या करना है, मुझे जो है साथ में इमेज को भी अपलोड करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आऊँगा और मैंने कोड को ओपन कर लिया दोनों जगह पर। यहाँ पर सर्वर भी रन हो रहा है और यहाँ पर हमारा जो है फ्रंट एंड भी रन हो रहा है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने रूट के अंदर कल की वीडियो में हटाया था सिलेक्टेड इमेज को, सबसे पहले तो मुझे वो ऐड करना है। कहाँ पर, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंपल सेलेक्टेड इमेज, यहाँ पर सेलेक्टेड इमेज। बेसिकली मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एड प्रोडक्ट स्कीमा से, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बाद में मिस्टेक ना हो जाए। तो मैं रूट के अंदर जाऊंगा बेसिकली और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर इसको भी पेस्ट करूँगा इसी तरह, और यहाँ पर भी मुझे सेलेक्टेड इमेज को पेस्ट करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं रूट के अंदर हूँ बट, अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कट करूँगा, कट और यहाँ पर पेस्ट, ओके। तो लेट्स सी कि ये ठीक होता है या नहीं। ओके, एरर जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। सर्वर इज लिसनिंग टू द पोर्ट HTTP लोकल होस्ट 4000 एंड DB इज कनेक्टेड, ओके। सो हमारा बैकएंड के अंदर जस्ट इतना ही काम था और मुझे इसको अनकमेंट कर देना है, बस आज इतना ही काम है। अब मुझे आ जाना है फ्रंट एंड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए जो है वो अलग से एक स्टेट बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और सेलेक्टेड इमेज को यहाँ पर नहीं डालूंगा इस बार, क्योंकि मुझे उसके लिए एक हैंडल इवेंट चेन जो है वो अलग चाहिए, हैंडल इवेंट।
ऑन चेंज के ऊपर बेसिकली, तो मुझे ये अलग काम करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा यहाँ पर सेलेक्टेड इमेज, और यहाँ पर लिखूंगा सेट सेलेक्टेड सेलेक्टेड इमेज इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है। और यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग की फॉर्म है। इतना हो गया, मैं आऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगा ऑन चेंज। ऑन चेंज के ऊपर मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर मैं लिखूंगा हैंडल बेस 64, मैं यहाँ पर हैंडल बेस 64 बेसिकली लिख दूंगा, और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूंगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर नहीं, इसके बाहर, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इस फंक्शन को बना लेता हूँ बेस 64 को, और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है क्रोम के ऊपर और यहाँ पर लिखूंगा बेस 64 इमेज npm, ठीक है। सो लेट्स सी, बेस 64 इमेज npm का जो पैकेज है वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, ये इमेज टू बेस 64 npm, ये वाला पैकेज जो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख लिया आप लोग के लिए। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आकर यहाँ पर अपनी app.js में नहीं, यहाँ पर आप कहीं पर भी आ सकते हैं, टर्मिनल को ओपन करें और यहाँ पर आपको आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना और उसको इंटर कर देना। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ये काम, तो यहाँ पर मैं आता हूँ package.json में और आपको दिखाता हूँ इस पैकेज को। तो मैं अगर यहाँ पर आपको दिखा सकूँ, इमेज को बेसिकली मैं ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये देखो ये मैंने अभी इंस्टॉल किया है, और मैं टाइम वेस्ट ना हूँ, मैंने इसलिए पहले से इंस्टॉल करके रख लिया, आप भी इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर सारी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दी हुई है, तो यहाँ पर मैं देखूँ इन्होंने, मैं एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ इसको, इमेज टू बेस 64 को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, कोड एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, आपको ये वाला भी कर सकते हैं या इस तरह इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, तो मैं ये इसको इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर दूंगा कंट्रोल सी करके, यहाँ पर आकर टॉप पर मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो मैंने फंक्शन बनाया हो हैंडल चेंज वाला, उसके चेंज होने पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस चीज़ को रन करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को क्यों रन कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, और यहाँ पर इन्होंने इमेज का पाथ दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरी सेलेक्टेड इमेज है मैं उसको डाल दूंगा, जो मेरा इमेज का बेसिकली पाथ होगा जब मैं सेलेक्ट करूँगा। और रिस्पांस में मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे रिस्पांस कंसोल नहीं करना, अच्छा मैं अभी के लिए कंसोल करके दिखाता हूँ आप लोग को, देन मैं आपको दिखाता हूँ बाद में इसका रिजल्ट, इसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट किया यहाँ पर मैंने, मैं यहाँ पर कंसोल में आ जाता हूँ और यहाँ पर एक बार ये डिबगर को ऑफ किया, यहाँ पर मैं कंसोल को क्लीन कर लेता हूँ, बेसिकली वो एरर है, क्लास को रिप्लेस नहीं किया हमने क्लास नेम से। अच्छा, अब देखना मैं यहाँ पर डालूंगा टाइटल, यहाँ पर डालूंगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर डालूंगा प्राइस, और यहाँ पर अब मैं जैसे ही यहाँ पर कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लूंगा, आप लोग देखना कंसोल के अंदर यहाँ पर मुझे बेस 64 में इसने URL जनरेट करके दे दिया। देखो कितना इजीली हम लोगों ने URL जनरेट कर लिया, अब बस क्या करना है, इस URL को हमें DB में स्टोर करना है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल जहां पर ये लिखा है, यहां पर कहां गया रिस्पांस, यहां पर मुझे रिस्पांस को कंसोल नहीं करना, बेसिकली मुझे जो मेरी स्टेट है उसमें इसको सेट कर देना है, ये जो सेट सेलेक्टेड इमेज है मुझे इसमें इसको सेट कर देना है। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, यहां पर इस तरीके से मैं सेट कर दूंगा। ओके, सो लेट्स सी, मैं उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा सेलेक्टेड इमेज, क्योंकि मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मुझे अब इस डेटा की नीड नहीं है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन डेट सेट, और यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ अगर टाइटल ट्रू नहीं है, और यहाँ पर जो मैंने बैकेंड में कंडीशन लगाई थी वही यहाँ पर भी लगा रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन ट्रू नहीं है और प्राइस ट्रू नहीं है,
यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन सब चीज़ों में से कोई भी एक ऐसी चीज़ जो है वो यूज़र ने यानी एडमिन ने फिल नहीं की फॉर्म के अंदर, तो आप क्या करो उसको फौरन एरर थ्रो कर दो, प्लीज़ फिल द डेटा। वरना अगर सारी चीज़ें फिल हैं तो क्या कर दो, अलर्ट डेटा सक्सेसफुली एडिट, डेट्स इट, और मुझे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर एक बार पॉज एंड डिबगर पर क्लिक करता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, देन मैं पॉज एंड डिबगर करता हूँ। यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ एक मिनट के लिए, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देखना, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कंसोल के अंदर आ जाता हूँ और मैं कंसोल को क्लीन भी कर लूँगा बेसिकली यहाँ से। सो कंसोल को मैं क्लीन कर लेता हूँ, डिबगर को मैं पॉज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आप यहाँ पर ऐड करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ टाइटल, माय टाइटल माय डिस्क्रिप्शन करके डाल देता हूँ, माय टाइटल, टाइटल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, टाइटल माय डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आ जाएंगे मेरे प्राइस, तो मैं प्राइस कुछ भी डाल देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक हेयर टू इमेज, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैसेज मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने कंसोल नहीं कराया, उसको सेट कर दिया स्टेट में। मैं जैसी ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, डेटा सक्सेसफुली एडेड। अब देखने वाली बात ये है कि क्या हमारा डेटा ऐड हुआ या नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिट्रीविंग लिस्ट ऑफ डेटाबेस कलेक्शंस पर आता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर टाइटल माय टाइटल, डिस्क्रिप्शन माय डिस्क्रिप्शन, प्राइस ये, और ये हमारा यूआरएल जनरेट होकर डीबी में स्टोर हो गया। कितनी इजीली हम लोगों ने ये काम कर लिया। आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल था या नहीं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आगे इस सीरीज़ में, काफ़ी कुछ देखने वाले हैं मज़ीद, काफ़ी कुछ हम लोगों ने देख लिया, काफ़ी कुछ और देखने वाले हैं। आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।